ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बढ़ते मॉब लिंचिंग पर देश में हड़कंप मचा हुआ है। मॉब लिंचिंग के विरुद्ध ठाणे में कांग्रेस ने मोर्चा निकाला और ठाणे जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम भी दिया और मांग की देश में मॉब लिंचिंग जैसे वारदातों पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। कांग्रेस अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष MM शेख ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून के मुताबिक देश चलता है, जिसमें सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया है, मगर कुछ लोग टोपी कुर्ता पैजामा देखकर उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इस देश को बदनाम करने की और देश की एकता व अखंडता को तोड़ने की साजिश की जा रही है। वही कोकण विभाग के अध्यक्ष अनीस कुरैशी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। आजकल मॉब लिंचिंग का जो चल रहा है प्रॉब्लम, मॉब लिंचिंग में जो बेगुनाह लोग हैं मारे जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जहां पर उनका कुछ ताल्लुक नहीं किसी से, वो उनको भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे कुछ जगह पे चोरी करने के बहाने से, कुछ जगह पे जादूगरी करने के बहाने से, कुछ जगह पे बच्चे चुरा के लेके जाने वाले लोग ऐसा समझ के, कुछ जगह पे गो तस्करी समझ के, ये जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रहे अलग अलग, ये मॉब लिंचिंग जो भी हो रहे वहां पर गवर्नमेंट ने एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून की तब्दीली ऐसे करना चाहिए कि ऐसे जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं इनको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा उनको सख्ती से उनको कानूनन उन पर कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए आज हमने धरना यहाँ पे जो दिया, और दूसरा एक मकसद था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी, जिनका गांधी परिवार से बहुत बड़ा गांधी परिवार से ताल्लुक है, गांधी परिवार का पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास, पूरी तारीख पूरे हिंदुस्तान के सभी आवाम को मालूम है कि जबकि इंदिरा जी गांधी प्रधान थे, उनका भी बलिदान इस देश में हुआ, कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया। दूसरा ये था कि हमारे राजीव जी गांधी, वहां पे कुछ आत्मघात की हमला हो गया, वो फैमिली से राहुल जी रहते हैं और उनके बारे में गलत सलत टिप्पणी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता उन्होंने किए वो गलत किए, तो किसी के खासगी इसमें पर्सनल लाइफ में टिप्पणी करना, किसी को गलत सलत बोलना ये ठीक नहीं, इसलिए भी हमारा आज धरना था। और इस देश में एक भाईचारा रहे, हिंदू मुसलमान एक जगह पे रहे, और आज का माहौल पूरे देश में अच्छा है, मगर कुछ समाज कंटक लोग जो है ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने आज तक अलवर में हुआ, उसके बाद यह भी परसू तबरेज अंसारी का जो हुआ, इसके बाद पूना में एक मोहसिन का हुआ था, ऐसे अलग अलग जगह भी मॉब लिंचिंग जो हो रहा है कि गलत तरीके से हो रहा है कि एक माइनॉरिटी के आदमी है, माइनॉरिटी का लोग है, उनके साथ जो हो रहा है तो गलत हो रहा है, इसके लिए हमने आज धरना दिया। मॉब लिंचिंग के जरिए जो लोगों को मारा जा रहा है, खास करके मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, ये मेरा तो मानना ये साजिश है और इसके पीछे बीजेपी का पूरा पूरा हाथ है। खुल के हमारे सामने उनके विधायक जो बीजेपी सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो खुल के उनकी वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने खुलेआम लोगों को उकसाया है भीड़ की शक्ल में कि आप 100-150 का मॉब बनाओ और मारो, जय श्री के राम के नारे लगवाना और ये सब करना। बीजेपी, आरएसएस, जो फासिस्ट ताकतें हैं, ये हमेशा से आरएसएस के साथ में रही है, तो इनके पीछे पूरी पूरी बीजेपी की जो है साजिश है। आज मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम सबका विश्वास हासिल करेंगे, मैं पूछता हूं कैसे विश्वास हासिल करेंगे, कैसे? सिर्फ कह देने से विश्वास हासिल नहीं होता साहब, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है आज, जैसे उनकी बीजेपी मोर्चा, महिला मोर्चे की अध्यक्ष कहती है कि 10 जन का जो ग्रुप बनावे और मुस्लिम महिलाओं को और उनकी बच्चियों को उठावे, रेप करे, इस तरह के बयानात उनके पदाधिकारी दे रहे हैं और भाजपा प्रधानमंत्री उसमें दखल नहीं ले रहे, मौन का रूप धारण किए हुए, सिर्फ अफसोस होता है उन्हें, केवल अफसोस, किस तरह विश्वास करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि बदला ही नहीं कुछ भी, ये सूरत भी वही है, गुजरात में फैलाई जो दहशत भी वही है,
कैसे करे बात पे विश्वास, यहाँ पर मैं जानता हूँ आपकी नीयत भी वही है। बहरहाल मॉब लिंचिंग जैसी घटना पर सरकार को कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है कि देश में बढ़ते मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं पर लगाम लग सके। बहरहाल कांग्रेस ने तो मॉब लिंचिंग पर जमकर नारेबाजी की और सरकार को अड़े हाथों लेते हुए इस पर कड़ा कानून बनाने की मांग की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।